अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। एंड दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट कैमरा फोन्स के बारे में। यानी अगर आपको एक ऐसा फ़ोन बाई करना है जिसके कैमराज काफ़ी अच्छे हों तो ये वीडियो आपके लिए है। 25-26 हज़ार रुपये की रेंज से लेके 60-65 हज़ार रुपये की रेंज तक मेरे ओपिनियन के हिसाब से ऐसे फ़ोन जो बेस्ट हैं कैमरा के अंदर, वो मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत सारी ऑप्शन होने वाली हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी एक अच्छा कैमरा फ़ोन बाई करने में। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कर देना, बल्कि करना क्या यार, अभी लाइक कर दो। बिकॉज मैंने देखा है ज़्यादातर यूज़र्स वीडियो देख के ना पतली गली से निकल लेते हैं, मतलब लाइक करना ही भूल जाते हैं। और मैं देख रहा होता हूँ कि लाइक्स क्यों नहीं आ रहे वीडियो पे। अगर 25-30 हज़ार पे सेगमेंट पे बात करें कुछ कैमरा फोन्स की, तो देखें यहाँ पे न्यू में जो पिनपैक फ़ोन आ रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी भी हैं, हार्डवेयर भी उनका अच्छा है, कैमरा मेगापिक्सल भी कुछ के अंदर भर भर के दिए हैं, बट वो कैमराज ऑप्टिमाइज नहीं है। उस हिसाब से उनको मैं कैमरा कैटेगरी का फ़ोन कहूँ। यूज्ड में आपको कुछ ऑप्शन बता देता हूँ, अगर आपको अच्छे कैमरा चाहिए तो आप उन फोन्स की तरफ देख सकते हो 25-30 हज़ार रुपये की रेंज में। पहली डिवाइस Redmi Note 10 मार्च 2021 में आई थी, अभी ऑलमोस्ट एक साल हो गया है, बट यूज्ड में अगर आपको मिल जाए तो स्टिल देखा जा सकता है इस फोन की तरफ। क्वाड कैमरा सेटअप है इस फोन की बैक पे, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, अल्ट्रा वाइड भी है, 2-2 मेगापिक्सल के दो बच्चे भी हैं, और फ्रंट पे 13 मेगापिक्सल की सेल्फी भी है। डे लाइट के अंदर अच्छी डिटेल्स लेता है इस फोन को। मैंने टेस्ट किया हुआ है, रिव्यू किया हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो उस वीडियो को। और बाकी फोटोग्राफी वाली साइड से भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। जो इमेज प्रोसेसिंग है ना Xiaomi की, मतलब जो हाई एंड पे होती है, उसके एडवांटेजेस Xiaomi की नीचे वाली डिवाइसेस को भी मिलते हैं। और ये जो फोन है, मतलब 2021 में काफी आइडियल फोन था, बड़ी जल्दी डिसकंटिन्यू कर दिया इस फोन को। बाकी वीडियोग्राफी वाली साइड से भी जो फीचर्स हैं, 4K रिकॉर्डिंग तक मिलती है, जो आजकल आपको 55-60 हज़ार रुपए तक नहीं ब्रांड प्रोवाइड कर पा रहे। मतलब ये 2022 ना ईयर ऑफ डाउनग्रेड इसको कहूंगा। प्राइस ज्यादा, फीचर्स कम, और कुछ ग्लोबल हालात भी इस तरह के चल रहे हैं, कुछ टैक्सेस वगैरह के मामला बड़ी गड़बड़ चल रही है। बहरहाल ये फोन आपको यूज्ड में 25-26-27 इस रेंज में अच्छी कंडीशन में मिलता है, थोड़ी बहुत वारंटी मिल जाए तो ये फ़ोन आपको कैमरा में सेटिस्फाई कर सकता है। दूसरा फोन मेरी लिस्ट में अच्छे कैमरास के लिए यूज्ड में आप देख सकते हो Poco X3 NFC की तरफ। अब ये जो फ़ोन है 1.5 साल पुराना हो गया है, अक्टूबर 2020 में आया था, उस टाइम पे Poco ने जो प्राइस और जो फीचर्स दिए थे हिला दिया था मार्केट को। अभी जो हालात चल रहे हैं Poco खुद ही हिला हुआ है, मतलब महंगाई, डॉलर और जो टैक्सेशन है, कोई भी ब्रांड मैनेज नहीं कर पा रहा। बहरहाल फीचर लिखनी है स्लाइड में, इस फोन को डिटेल रिव्यू किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़्यादा डिटेल आपको उसमें मिल जाएंगी। मुद्दे की कुछ बातें करें तो 64 मेगापिक्सल जो क्वाड कैमरा सेटअप है ना इसका, सोनी का सेंसर है, साथ में 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, अच्छा फोटोग्राफी एक्सपीरियंस है, डिटेल्स अच्छी आ जाती हैं, वीडियोग्राफी वाली साइड से भी चीजें मिसिंग नहीं आपको मिलती, 4K रिकॉर्डिंग है, 1080p 60fps पे भी आपको स्टेबल मोड देखने को मिल जाता है, उसके अलावा 960fps का स्लो मोशन का ऑप्शन, मतलब जाती हैं सारी चीजें। तो फीचर वाइज कोई भी कमी नहीं है, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है डे लाइट के अंदर, और अच्छी लाइटिंग में अच्छी डिटेल्स ले लेता ये। इवन इस फोन को ना मैंने गेमिंग कैटेगरी के अंदर भी कवर किया हुआ है, बिकॉज इसका जो चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन 732G है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देता है। तो आप 1.5 साल बाद अगर आप इस फोन को अच्छी कंडीशन में 27-28K के आसपास भी बाय करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह भी इसका अपडेट हो गया हुआ है, तो आई थिंक Poco X3 NFC एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। बाकी जो इस फोन के यूजर हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपना फीडबैक वीडियो के कॉमेंट्स में जरूर दिया करें, इससे दूसरों को काफी हेल्प होती है। और 35-36 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर अगर आपको एक अच्छा कैमरा फोन बाय करना है, तो सैडली इस रेंज में भी कोई न्यू में ऑप्शन नहीं है। यूज में चाहिए तो आपको बता सकता हूँ, पहली ऑप्शन Vivo V21e। अब Vivo की जो V सीरीज होती है ये कैमरा सेंट्रिक है, और ये जो फोन है ना, ये Vivo ने बहुत अच्छा फोन दिया था, 8-9 मंथ पहले आया था, आज भी दुनिया याद करती है, यूज्ड में ढूंढ रही है इस फोन को। तो 35-36 के आसपास अगर आपको यूज्ड में ये फोन मिलता है तो आप देख सकते हो काफी अच्छा कैमरा सेंट्रिक फोन है, 10 out of 10 इसके मैं कैमरा को रेट करता हूँ। 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमरी 64, 8 का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, और ये जो 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर है ये मल्टी फंक्शन है, इसी के अंदर मैक्रो सेंसर का ऑप्शन भी है, इसी के अंदर आपको डेप्थ सेंसर में मिलता है। तो जब बड़ा मेगापिक्सल के नंबर के अंदर उसकी सेटिंग होती है तो डिटेल्स भी अच्छी कैप्चर करता है। तो फोटोग्राफी इस फोन को मैंने डिटेल में रिव्यू किया, वो उसके अंदर मतलब मजा आया मुझे इसके कैमरास को यूज करते हुए। फोटोज में डिटेल्स हैं, डिफरेंट फिल्टर्स हैं, एक रिच कैमरा एप्लीकेशन है, वीडियोग्राफी वाली साइड से भी जो फीचर्स हैं वो आपको मिसिंग नजर नहीं आते, काफी लाइट वेट और हैंडी सा फोन है, लुक में भी अच्छा है, जो इसका डायमंड फ्लेयर वाला कलर है। तो ये जो फोन है, मैंने सुना है कि मार्केट में कोई 39-40 के आसपास मिल रहा है यूज्ड में,
में भी हाई डिमांड होने की वजह से, बिकॉज आगे भी वो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा इतना तो। लेकिन इस फ़ोन को मैं रिकमेंड करता हूँ 35 से 36 हज़ार रुपये के अंदर, अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिले तो आप देख सकते हो 44 मेगापिक्सल की सेल्फी, आई ऑटो फोकस वाली, काफ़ी क्रिस्प और मज़े की डिटेल्स आती हैं। तो कैमरा के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन 35 से 36 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर अच्छी कंडीशन के साथ। दूसरी जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ 35-36 में, वो है Realme 7 Pro। अब ये भी फ़ोन ऑलमोस्ट 1.5 साल पुराना होने वाला है पाकिस्तान की मार्केट में। मसला ये है कि Realme ने अपनी 8 सीरीज़ का भी इतना स्टॉक नहीं दिया, और 7 सीरीज़ जो है ये इसका स्टॉक काफ़ी खुले हाथों से बनाया था, और काफ़ी टाइम पहले 40 के आसपास न्यू में मिलता रहा है पिन पैक। तो ये भी यूज में अगर 35-36 के आसपास मिले ना, तो कैमराज अच्छे हैं, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है, प्राइमरी सेंसर के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिलता है। Realme की जो इमेज प्रोसेसिंग है मैंने आपको डिस्कस किया ये काफ़ी अच्छी है, डिटेल्स फोटो के अंदर वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड कैमरा है इस फोन के। 32 मेगापिक्सल की जो सेल्फी है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिलती हैं, और वीडियो के जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी मिल जाते हैं आपको। सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी है यहाँ पे, 65 वाट की चार्जिंग भी है। तो एक फीचर पैक फ़ोन है, 35-36 में आपको Realme 7 Pro भी मिले तो इसकी जो कैमरा रेटिंग है वो भी 10 out of 10 है, आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हो। और अगर अंडर 40,000 आपको एक अच्छा कैमरा फ़ोन लेना है तो यहाँ पे अगेन कोई न्यू में मज़े की ऑप्शन नहीं है जो मार्केट की सूरत हाल इस टाइम पे चल रही है, बट मैं यूज में कुछ ऑप्शंस बता सकता हूँ, एक न्यू में भी सजेस्ट कर दूंगा बाय द वे आपको। तो पहली जो ऑप्शन है वो है ओप्पो रेनो 5, आप देख सकते हो ये भी अंडर 40,000 अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा, 1 साल पुराना हो गया, बट स्टिल जो रेनो 6 आया वो भी रेनो 5 ही है, कुछ भी उसमें नहीं किया गया ऊपर नीचे, तो अच्छी प्राइस फिर इसकी मिल रही है। ये आप देख सकते हो 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है, और ओप्पो के जो फ़ोन्स होते हैं ये जो रेनो सीरीज़ के हैं ये कैमरा फोकस डिवाइसेस होती हैं, और ओप्पो कैमराज में अच्छा है, मतलब इमेज प्रोसेसिंग ओप्पो की पोस्ट प्रोसेसिंग डिटेल्स अच्छी आती हैं, स्नैपड्रैगन 720G का हार्डवेयर है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और इस हार्डवेयर की जो कैमरा ESP है ना, जब ओप्पो की इमेज प्रोसेसिंग के साथ उसका कम्बिनेशन बनता है तो डिटेल्स अच्छी आती हैं कंपैरेटिवली जो मीडियाटेक के हार्डवेयर होते हैं उनके मुकाबले में। 44 मेगापिक्सल की सेल्फी है, नंबर से ही आपको पता चल जाएगा काफ़ी क्रिस्प डिटेल्स होंगी। और उसके अलावा ये होता है कि ओप्पो के जो कैमरा फोन्स है ना ये बाय डिफॉल्ट थोड़ा ब्यूटी फिल्टर इनका ऑन होता है, उसको नेचुरल पे करके लेनी पड़ती, नहीं तो फेयर एंड लवली टाइप इफेक्ट आते हैं फोटोज के अंदर। लेकिन स्टिल एक अच्छा कैमरा फोन है रेनो 5, अगर आपको 38, 39, 40 के आसपास अच्छी कंडीशन में मिल जाए तो देख सकते हो इस फोन की तरफ भी। और अगली जो ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ वो अगेन काफ़ी सॉलिड ऑप्शन रही है अपने टाइम की, वो है Redmi Note 10 Pro। अब ये जो फोन है ये भी 1 साल हो चुका है पाकिस्तान की मार्केट में, इवन Xiaomi ने जब ये फोन दिए थे ना उस टाइम पे जो प्राइस और जो स्ट्रेटेजी थी Xiaomi की, आज के टाइम पे Xiaomi उनको कंपीट नहीं कर पा रहा। Redmi Note 10 Pro को मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन जो Note 11 Pro सीरीज आई है अगेन प्राइसेस के ऊपर आगे पीछे, और MediaTek के हार्डवेयर के साथ उनके जो कैमरास है उसका मुझे मजा नहीं आया इतना। लेकिन ये जो फोन है Snapdragon 732G का हार्डवेयर, 32G का, अच्छी ये जो फोटोग्राफी है डिटेल्स में, 108 मेगापिक्सल जो कैमरास है, क्या मजे की डिटेल्स आती हैं उसके अंदर, अल्ट्रा वाइड सेंसर भी काफी अच्छा, और इस फोन का जो मैक्रो सेंसर है ना 5 मेगापिक्सल का, वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लगी है, मतलब दिल को लग गया वो मेरे, और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वाली साइड से Redmi Note 10 Pro अगर आपको आज की डेट में मिलता है इवन 1 साल बाद भी 38-39 के आसपास प्राइस में अच्छी कंडीशन में, तो डेफिनेट आप Redmi Note 10 Pro की तरफ भी देख सकते हो। और उसके बाद जो एक ऑप्शन आपको मैं न्यू में बता देता हूँ और उसमें कंप्रोमाइज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, वो डिवाइस है सैमसंग A32। अब ये जो डिवाइस है 40 प्राइस है, मेड इन पाकिस्तान बन रही है, ऑफलाइन में आपको 36.5-37 के आसपास मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी मज़े की नहीं लगी, लेकिन अगर मैं कैमरा को डिस्कस करूँ ना, कैमरा इस फ़ोन के काफ़ी अच्छे लगे हैं मुझे फॉर द प्राइस सेगमेंट। अच्छी डिटेल्स आती हैं, 64 मेगापिक्सल का यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप है, अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है, वो भी अच्छी डिटेल लेता है। इसको मैंने कंपेयर भी किया हुआ था Redmi Note 11 के साथ, स्टिल जो A32 है ये एक्सेल करता है परफॉर्मेंस के अंदर, डिटेल्स अच्छी देता है, और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है, यहाँ पे भी डिटेल्स अच्छी आती है। मतलब सैमसंग की जो इमेज प्रोसेसिंग है ना, मतलब जो फोटो की कैमरा क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी है। कंप्रोमाइज़ है यहाँ पे जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है वो इतना मज़े का नहीं है, थोड़ी स्लो स्पीड है, परफॉर्मेंस बस MediaTek का हार्डवेयर है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो चार्जिंग है 15 वाट की, ये ज़रा थोड़ा स्लो है, टाइम लेता है चार्ज होने में, बट अगर आप कैमरा के लिए लेना चाहते हो बाकी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। न्यू में पिन पैक डिवाइस चाहिए
तो A32 आप ले सकते हो। और अगर अंडर 50,000 रेंज की बात करते हैं तो एक डिवाइस है बड़ी सॉलिड है, यूज में मिले तो आप देख सकते हो डिवाइस MI10T है। अब ये डिवाइस इसका 8128 वाला वेरियंट अगर आपको अंडर 50,000 या 50 के आसपास मिले अच्छी कंडीशन में तो देख सकते हो भाई, परफॉर्मेंस भी बड़ी सॉलिड है। स्नैपड्रैगन 865 का हार्डवेयर है, गेमिंग करनी है उसमें भी फुल मजे है, 90 FPS तक जाता है ये फ़ोन। और उसके अलावा कैमरा वाली साइड पर डिस्कस करें तो 64 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 13 MP अल्ट्रा वाइड भी है, 5 का मैक्रो भी है, मतलब एक प्रैक्टिकल कैमरा सेंसर है। और काफ़ी सॉलिड डिटेल्स आती हैं इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में, वीडियोग्राफी में 8K तक सपोर्ट करता है बैक साइड से और 4K 60 FPS का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो इन नंबर्स को देखते हुए आपको पता चलेगा इसके कैमराज कितने सॉलिड हैं। और उसके बाद इवन जो Xiaomi की 11T सीरीज आई है ना उसके कैमराज इतने ऑप्टिमाइज नहीं लगे, मतलब फीचर भी कम और कैमरा भी इतनी ऑप्टिमाइजेशन उनमें नजर नहीं आई। और ये जो फ़ोन है स्टिल मिले तो आई थिंक 1.5 साल बाद भी वर्थ करता है, अच्छी कंडीशन में आप इस फोन को ले लेना। कैमरा वाली साइड भी ज़बरदस्त है, 144Hz का IPS डिस्प्ले भी है, चलने में टच रिस्पॉन्स वगैरह मतलब आपको मज़ा आएगा यार इस फोन को यूज़ करते हुए। सेल्फी भी बहुत अच्छी है 20 MP की, देख सकते हो आप इस फोन की तरफ। अंडर 50,000 ओप्पो फैंस के लिए ओप्पो की कैमरा सेंट्रिक डिवाइस, इसको मैं कंडीशनल एंट्री लेके आया हूँ बिकॉज ये बेस्ट कैमरा फोन की लिस्ट बना रहा हूँ। डिवाइस है ओप्पो F21 Pro। अब ये 53,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च हुई, डेफिनेट प्राइसेज याद है, जो भी ब्रांड न्यू में डिवाइस लॉन्च करेगा वो प्राइस को मैनेज नहीं कर पाएगा, आपको पता है महंगाई का तूफान, डॉलर कहाँ पे चल रहा है, PT के टैक्सेस काफ़ी हैवी हैं। तो ऑफलाइन में आपको ये 47,500 के आसपास पिनपैक मिल जाती है। इस सेगमेंट में अगर आप देखो ना ओप्पो फैन हो, परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, लाइक स्नैपड्रैगन 680 का जो हार्डवेयर है वो प्राइस रेंज के हिसाब थोड़ा सा अंडर पावर्ड हैवी यूज़ के लिए नहीं है ये फ़ोन। उसके अलावा चार्जिंग 33 वाट है, प्राइस के हिसाब से थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए थी। कैमरा जो 64 MP है ना क्वाड कैमरा सेटअप, फोटोग्राफी जो मैंने अभी तक देखी है डिटेल्स अच्छी हैं और कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी है। वीडियोग्राफी के तक थोड़े से फीचर में आपको कंप्रोमाइज़ है, लाइक 4K रिकॉर्डिंग नहीं है इस रेंज में जो होनी चाहिए, जो ओप्पो के फोन्स में मिलती भी रही है पहले। 1080p 60 FPS मिसिंग है, 30 FPS है 1080p, ठीक है, डिटेल्स अच्छी आ जाती हैं, स्टेबल मोड मिल जाता है उसमें। फ्रंट सेल्फी 32 MP की, जो ओप्पो हाईलाइट कर रहा है, ज़्यादा मार्केट कर रहा है, जिसको सोनी IMX709 का सेंसर है, अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है, डिटेल्स उसके अंदर अच्छी है। तो छोटी मोटी चीज़ों पे अगर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, 47 के अंदर आपको स्टाइलिश और बेटर कैमरा वाला फ़ोन चाहिए, वीडियोग्राफी वाली साइड से थोड़े से कंप्रोमाइज़ अगर आप कर सकते हो तो देख सकते हो इस फोन की तरफ। और 60,000 से 65,000 रुपये की रेंज के अंदर 3 सॉलिड ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, मैं क्विकली बताता हूँ क्यों, बिकॉज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। पहली जो डिवाइस है वो है Realme GT मास्टर एडिशन। अब ये जो डिवाइस है ये 67 के ऊपर आई थी, फिर प्राइस कट लगा, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में 57-58 के तक मिल जाती है, डिमांड काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी गुड लुकिंग फ़ोन है, इसको मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, 64 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप है इस फोन की बैक पे, 32 वाली जो सेल्फी है फोटोज़ में मज़ा आया मुझे, यहाँ पे इसकी वीडियोग्राफी के अंदर मज़ा आया, सेल्फी के अंदर डिटेल्स अच्छी हैं, रिव्यू भी मैंने इसको किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़्यादा डिटेल के लिए आप उसको देख सकते हो। तो डेफिनेट है रिकमेंडेड फ़ोन है Realme GT मास्टर एडिशन, मतलब चार्जिंग वाली साइड भी ज़बरदस्त है, डिस्प्ले भी सुपर एमोलेड आपको मिल जाता है 120Hz का, तो एक कंप्लीट पैकेज है, देख सकते हो इस फोन की तरफ। और जो अगला फ़ोन है मेरी लिस्ट के अंदर वो Xiaomi की तरफ से आता है, Xiaomi की डिवाइस Xiaomi 11 Lite 5G NE। 5G डिवाइस है, Snapdragon 778G के हार्डवेयर के साथ आती है। मुझे नहीं लगता कि आगे आपको 2022 में इस तरह का हार्डवेयर अंडर 60,000 मिलना है, 58,000-59,000 के आसपास आपको ये पिन पैक मिल जाएगी मार्केट से। और उसके अलावा यहाँ पे कैमरा वाली साइड 64 MP प्राइमरी सेंसर है, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड 8 MP का है, आपको मैक्रो 5 MP का मिलता है, 20 MP की सेल्फी है, वीडियोज़ में अच्छा है, फोटोग्राफी के अंदर अच्छा है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसको मैंने टेस्ट किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो इस फोन को। चार्जिंग वाली साइड पे है थोड़ा सा 33 वाट का है और 90Hz का है, बिकॉज इस रेंज में आपको 120Hz और 60 या 50 वाट की चार्जिंग मिलती है। बट अगर आप Xiaomi फैन हो, एक पतला सा गुड इन एंड फील वाला फ़ोन चाहिए, लाइट वेट हो, तो Xiaomi 11 Lite 5G NE आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, एक प्रीमियम फ़ोन है कैमरा वाली साइड से भी, ओवरऑल फीचर्स वाली साइड से भी। और जो आखिरी डिवाइस है मेरी रेंज के अंदर वो आती है सैमसंग की तरफ से, गलेक्सी A52s। A52 को छोड़ देना, A52s को ले लेना अगर आप सैमसंग का फ़ोन लेना चाहते हो, और इसको जल्दी ले लेना बिकॉज बंद होने वाला आगे से सैमसंग की जो A53 है ना वो आने वाला है, और प्राइस जो है ना वो रॉकेट जाने वाला ऊपर। तो अच्छा कैमरा फ़ोन है, 64 MP क्वाड कैमरा सेटअप है, OIS भी आपको मिल जाता है कैमरा के अंदर, और सैमसंग की जो इमेज प्रोसेसिंग है आपको पता है जो A32 में कैमरा अच्छे देता है, यहाँ पर आके तो और चीज़ें नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाती हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग वाली साइड से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, 4K रिकॉर्डिंग तक आपको मिलती है, और सारे फीचर्स जो हैं इसके कैमरा के अंदर पैक हैं, 120Hz का AMOLED
डिस्प्ले भी है। चार्जिंग वाली साइड पे थोड़ी सी मतलब हैं चीज़ें कंप्रोमाइज़, लाइक 25 वाट की चार्जिंग, डब्बे में 15 वाट का चार्जर है। मैंने इसको रिव्यू किया है, वहाँ पे मैंने हर चीज़ डिटेल में डिस्कस किया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट यहाँ पे अगर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो ना, तो फ़ोन बाकी चीज़ों से बड़ा रिलायबल है सॉफ्टवेयर वाली साइड से। तो एक अच्छा कैमरा फ़ोन भी है, गैलेक्सी 52S आपको कोई 65,000 या 66,000 पे, 65 या 66,000 के अंदर पिन पैक मिल जाएगा आज की डेट में मार्केट में, तो देख सकते हो इस फोन की तरफ। तो ये थे मेरी आज की लिस्ट के बेस्ट कैमरा फोन्स, 25-26 हज़ार से लेके 60-65 हज़ार रुपये की रेंज तक। जो बेस्ट था वो मैंने आपको बता दिया। मुझे वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस फ़ोन को बाई करने वाले हैं, और अगर आप इनमें से कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो कैमरा के लिए, क्या फीडबैक है आपका, वीडियो के कमेंट्स में बता देना मुझे। और कोई अगर फ़ोन मैं मिस कर गया हूँ अपनी लिस्ट में, वो भी आप बता सकते हैं, बिकॉज आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ मैसेजेस को रीड करने की। तो ये वीडियो यहीं तक थी, पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं पतली गली से ना निकलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लोहड़ी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।